हेलो बच्चों बच्चों, अगर आपने 10th या 12th का एग्ज़ाम दिया है तो CBSE ने आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन इशू करी है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ स्पेशल डेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपका अभी बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो मई में आपका रिज़ल्ट आएगा। तो उन्होंने कुछ बताया कि अगर मान लो आपको रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप कुछ वेरीफाई कर सकते हैं, अपने मार्क्स रिवेल्यूएशन करा सकते हैं जैसे कि हर साल होता है, और कॉपी ले सकते हैं आप, अपनी आंसर शीट की कॉपी ले सकते हैं। तो ये जानने वाली डेट है, पता होना चाहिए हमें। सबसे पहली बात बताते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स अगर आपको कराने हैं तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे नेक्स्ट डे ये लिंक ओपन होगा, और 5 दिन तक ये लिंक ओपन रहेगा। इसमें पर सब्जेक्ट आपको 500 चार्ज करना होगा, चाहे 11th के सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट हैं या 12th के। दूसरा है, अगर आपको फोटो कॉपी चाहिए तो लिंक ओपन होगा, रिजल्ट जिस दिन आएगा उसके 17th डे पर लिंक ओपन होगा, और आप अपनी कॉपी ले सकते हैं। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 700 पर सब्जेक्ट चार्ज होगा 12th के लिए, और 10th के लिए 500 पर सब्जेक्ट। अगर आपको रिवैल्यूएशन कराना है कॉपी का तो 21वें दिन ये लिंक ओपन होगा, 21st डे पे, और अगले ही दिन बंद हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। और ऐसा ही जो फोटो कॉपी अगर आपको लेनी है वो भी नेक्स्ट डे बंद हो जाएगा लिंक। तो बिल्कुल अलर्ट रहना अगर आपको ऐसा कुछ करना है। और रिवैल्यूएशन में 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, सॉरी पर क्वेश्चन, अगर आपको रिवैल्यूएशन कराना है तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपको चार्ज लगेगा। एक और डेट है जो मैं नहीं चाहता कि आपसे शेयर करूं, वो है अगर इन केस कंपार्टमेंट आ जाती है तो उसके लिए डेट्स हैं। तो भगवान ना करे आपका कंपार्टमेंट आए किसी की भी, तो ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए। और नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए। थैंक यू।